हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों की ओडिशा की फेमस रेसिपी जिसको हम डालमा बोलते हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ओडिशा की एक फेमस रेसिपी जिसको हम डालमा बोलते हैं वो बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने सारी तैयारियाँ कर लिया है। चलिए मैं पहले बता देती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को काट के रखा है। मैंने बैगन लिया है, थोड़ा सा बड़े बड़े सब्जियों को मैंने काटा है। मैं फूल गोभी लिया है, एक आलू लिया है और 3 से 4 ग्रीन चिली को ऐसे लंबे लंबे काट के रखा है। एक टमाटर लिया है, बीन्स कुछ बीन्स भी लिया है और नूलकुल भी लिया है, 2 तेज़ पत्ता निकाल के रखा है। और इसके लिए मैंने आधा कटोरी मूंग दाल और 1 कटोरी डाल लिया है जिसमें हम दाल बनाते हैं। और 1 बड़े वाले स्पून में मैंने हल्दी पाउडर लिया है। स्वाद के अनुसार नमक इस्तेमाल करेंगे। और तड़के के लिए मैंने कुछ सरसों, 2 सूखा मिर्च और 1 स्पून जीरा लिया है। और यहाँ पे मैंने आधा कटोरी जीरा पाउडर लिया है जिसको हम थोड़ा सा फ्राई करके डालमा में डालेंगे, जिससे डालमा का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो पहले हम थोड़ा सा मूंग दाल को फ्राई कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम डालमा बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब मैं मूंग दाल को थोड़ा सा फ्राई करूंगी। मूंग दाल को फ्राई करके डालने से डालमा का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। हम बस थोड़ा सा ही 2-3 मिनट तक ही इसको फ्राई करेंगे। मैं गैस को ऑफ कर लूंगी। आज की डालमा मैं कुकर में बनाऊंगी। देखिए दोस्तों, मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी दे दूंगी। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, पानी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब मैं दाल को धो के रखा था इसमें डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर जो मैंने सारी सब्जियों को काट के रखा था इसमें डाल लेंगे। तेज पत्ता भी हम ऐसे ही डाल देंगे। ग्रीन चिल्ली डाल के पकाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
इसे हम एक मीडियम आंच पर एक सीटी आने तक पकाने के लिए छोड़ देंगे। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। ये ठंडा होने के बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, देखिए दाल को हम ऐसे ही पकाएंगे तो अच्छा रहता है। अब हम इसमें तड़का लगा देंगे। मैंने इसमें 4 स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, सरसों, सूखा मिर्च और निकल के रखा था जो जीरा। मैं इसको निकाल के तड़के को हम इसमें डाल देंगे। अब हम दोस्तों, मैंने जो जीरा पाउडर निकाल के रखा था उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस 2-3 मिनट के लिए ही हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। जो फ्राई किया था जीरा पाउडर अब हम इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों, मेरा डालमा बन चुका है। ये ठंडा होने के बाद मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। देखिए दोस्तों, मेरा डालमा बन चुका है। ये हमारे ओडिशा का बहुत ही फेमस डिश है। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आया होगा, मेरा डालमा का रेसिपी पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।